हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? चलो तो प्यारे बच्चों, क्या है आज का जो चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। ठीक है, वर्क एनर्जी में लगभग 4 लेक्चर और रिमेंस है, बाकी है। ठीक है ना, वर्क एनर्जी का 4 लेक्चर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर रोटेशनल मोशन का वीडियो अपलोड करो सर, है ना। चलो अरे बच्चों, क्या है उसको ये चैप्टर पढ़ने में दिक्कत आ रहा था, रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल सटीक टू सटीक, जो एग्जाम में आता है, जो बोर्ड में आता है, जो ITJEE नीट में आता है, और कुछ मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाता ही नहीं, सिंपल सा बात है, सटीक एकदम। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूँ, रोटेशनल मोशन क्या होता है देखो। अच्छा ये बताओ, कोई बॉडी MR से कोई बॉडी है मोशन कर रहा हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो इसे क्या बोलेंगे? तो सर अगर कोई बॉडी ये सब मोशन करता है तो इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, है कि नहीं? इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्या अगर कोई पाथ मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा पाथ है, मान लो ऐसा कोई व्हीकल है, ठीक है ना, ये ऐसा कोई व्हीकल है, इस पाथ में जा रहा है मान लो, ठीक है ना। बच्चा क्या बोलता है कि सर ये सर्कुलर पाथ है नहीं? अगर कोई व्हीकल इस मोशन के तहत जा रहा हो ऐसे करके, ठीक है ना, जा रहा हो, तो इसे भी क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे भी? रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर कोई पार्टिकल कुछ ऐसा घूम रहा हो, मान लो कि या मतलब ये ऐसे घूम रहा हो, एक सर्कल के अलोंग घूम रहा हो किसी सेंटर के अबाउट, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर्कुलर पाथ। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सर्कुलर मोशन बोल दो, अब पाथ जो हुआ वो सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन अगर कोई रॉड, रॉड इन द सेंस, जैसे मान लो कि मैं ऐसा एक रॉड ले लिया, एक ऐसा मैंने रॉड ले लिया, चलो इसको थोड़ा मैं अच्छे से बना लूं, डायग्राम अच्छे से बन नहीं पाया, हाँ ऐसा मैं रोड ले लिया मान लो, ठीक है, और ये यहाँ पे हिंज कर दिया, मतलब ये फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया, क्या कर दिया? हिंज, है ना, हिंज मतलब होता है कि इसको फिक्स कर देना और ये फ्री होगा अबाउट टू रोटेट, मतलब ये ऐसा हिंज कर दिया, ठीक है, अभी क्या होगा? फ्री टू रोटेट, अब ये क्या करेगा? ये घूमने लगे, घूमे नहीं घूमेगा? यस सर, अगर इस टाइप का बॉडी हो जब वो हिंज हो और घूम रहा हो, ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे? इस टाइप के मोशन को बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे हम प्यारे बच्चों? रोटेशनल मोशन बोलेंगे, मतलब किसी एक्सिस ऑफ, अच्छा देखो तो इस बॉडी के लिए ये जो रॉड है उसके लिए क्या बन गया? ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बन गया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा कोई ये पूछता है कि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? तो बॉडी का वो एक्सिस जिसके अबाउट वो क्या कर रहा हो? रोटेट कर रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे हो गया। ठीक है, और देख लो, मान लो ये कोई लाइट रॉड हो, एक मास यहाँ लगा दो M1 मास, एक मास यहाँ लगा दो M2 मास, और ये इसके अबाउट इसको क्या करो? घुमा दो, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये भी जो मोशन कहलाएगा इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसे भी बोलेंगे हम रोटेशनल मास। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? रोटेशनल मोशन, सॉरी, है ना, इसे क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो आगे तुम्हें आएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में अंतर हो गया, ठीक है, अब मैं इसका अंतर भी बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है, वो बाद की बातें हैं, अभी तो नहीं, फिलहाल ये समझो कि रोटेशनल मोशन कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो अब इसमें मैं तुम्हें बेहतरीन एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ और एक फॉर्मूला डिराइव करता हूँ जो तुम्हें याद करने के लिए होता है, वो फॉर्मूला क्या है उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। देखो जो फॉर्मूला आने वाला है ना, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मतलब अच्छा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद आ जाएगा। वो क्या फॉर्मूला है प्यारे बच्चों? उसकी बातें करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें जो बातें करेंगे रोटेशनल मोशन में, वो बात करेंगे रिजिड बॉडी का। क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों? रिजिड बॉडी। देखो मैंने सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में तुम्हें मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो ताकि तुम समझ पाओ कि ये रोटेशनल मोशन है सर, ओह ये सर्कुलर मोशन है सर, ओह बिल्कुल अच्छी बात है। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, देखो अब रोटेशनल मोशन में ही कुछ कुछ बातें हैं, जैसे रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है उसकी बातें करते हैं। जैसे
मान लो कोई एक रिजिड बॉडी ले लो, आर्बिट्रेरी शेप का, कैसा शेप है ये, आर्बिट्रेरी शेप मतलब कोई सा भी शेप, आर्बिट्रेरी शेप का ऐसा कोई रिजिड बॉडी ले लिया। रिजिड बॉडी क्या होता है सुनना, रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जिसके बीच के, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ हो, एक पार्टिकल यहाँ हो, रिजिड बॉडी है ये, पार्टिकल यहाँ हो, पार्टिकल वन पार्टिकल टू। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है डी है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो, चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, फोर्स लगा लो, उसे क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। समझ आ रहा बातें, क्या बोला मैंने, यस सर, रिजिड बॉडी आर्डोज बॉडी वो बॉडी होता है, आर्डोज बॉडी बॉडीज इन विच जिसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मान लो या तो दो पार्टिकल मान लो छोटा सा इसके बीच का डिस्टेंस की बात है, बिटवीन टू पॉइंट और पार्टिकल्स इज रिमेन्स अनचेंज, वो क्या रहे, रिमेन्स अनचेंज मतलब कभी वो चेंज ना हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिजिड बॉडी। सिंपल सा बात है ना, किसी, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं, किसी, ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच का दूरी मैं हिंदी में इसे लिख रहा हूँ ताकि समय में आ जाए, बीच का दूरी अगर अस्थिर हो मतलब कांस्टेंट हो, अगर चेंज ना हो, परिवर्तन ना हो मतलब अस्थिर हो, ठीक है, तो उस पॉइंट के बॉडी को हम क्या कहेंगे, उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलो, समय में आया क्या, यस समय में आ गया क्या, है ना, कहेंगे, ठीक है ना, क्या प्यारे बच्चों बोलो, समय में आया नहीं आया, यस सर आ गया सर। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब तुम कहो इसमें क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसकी बातें हम करते हैं। देखो थोड़ा सा, देखो तो किसी भी अगर बॉडी में दो पॉइंट के बीच का दूरी अगर कांस्टेंट हो, कभी भी चेंज ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिजिड बॉडी कहेंगे। अब रिजिड बॉडी का इसमें देखो, रिजिड बॉडी के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, चलो इसकी बातें करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कोई रिजिड बॉडी ले लिया मैंने, सुनना पहले, इसे मान लो कोई एक रिजिड बॉडी ले लिया ऐसे करके, ऐसे है ना, रिजिड बॉडी ले लिया और इसको मैंने क्या किया, इसे फिक्स कर दिया इस एक्सेस के अबाउट, फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसे क्या किया, फिक्स कर दिया, और ये जो पॉइंट है ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब ये जो रिजिड बॉडी है वो अबाउट टू, मतलब क्या करेगा, रोटेट करेगा इस एक्सेस के अबाउट, मतलब क्या किया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये हिंज कर दिया, इसको कैसे दिखाता हूँ, हिंज को ऐसे दिखाता हूँ क्रॉस से, इसको हिंज कर दिया। अब ये क्या होगा, ऐसे घूमने वाला होगा, ऐसे ये घूम सकता है आराम से, ठीक है। अब देखना थोड़ा, अब सोचो कि ये घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, कौन, ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम रहा है, कोई दिक्कत इसे नहीं, ठीक है सर, घूमने दो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों, मान लिया कि एक यहाँ पे पॉइंट मास, सोचो कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो छोटा सा मतलब ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, यहाँ पे यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह होगा, छोटा छोटा मास है ना, छोटे छोटे मास होगा, जरूर होगा, यस सर। अगर रिजिड बॉडी है तो मान लिया छोटे सा मास का, मान लिया मैंने M1 मास, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस मान लिया R1, अच्छा R1 क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब वो एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेशन कर रहा हो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो कितना है, R1। अच्छा एक बार बताओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा है, देखो ऐसा, तो मुझे बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन और आर में कितना एंगल है, तो 90 है सर, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। एक और मान लो, मैंने मान लिया आर टू, मान लिया आर टू की दूरी पे एम टू का मास ले लिया, कोई दिक्कत इससे नहीं, मतलब यहाँ पे होगा ही मास होगा, और मैंने एक यहाँ मान लिया, वैसे तो बहुत सारा मास होगा, सही बात है क्या, यस सर, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो छोटा छोटा मास, छोटा छोटा मास हर जगह होगा, ठीक है क्या, यस सर। अब प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें याद है सर्कुलर मोशन में याद है, तो मैंने तुम्हें सिखाया है कि अगर ये वी, अगर ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा हो, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलता है
लिनियर वेलोसिटी, वो क्या मिलेगा वन पार्टिकल को, तो ओमेगा इंटू आर वन। यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगा लिनियर वेलोसिटी वो क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू आर टू। ये मैं तुम्हें सिखाया है सर्कुलर मोशन में, याद है कि नहीं है? यस सर, कि लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन जो होता है वो आर वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। अगर ये आर वन दूरी हो और ये ओमेगा से घूम रहा हो तो ओमेगा आर वन वेलोसिटी दे देगा यहाँ पे। ये क्या है, तो वेलोसिटी है, स्पीड है, ध्यान रखना ये भी स्पीड है। अरे वेलोसिटी स्पीड बोल दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वी टू और वी थ्री क्या हो जाएगा, विथ ओमेगा इंटू आर, यही तो होगा। बहुत सारा मास होगा इसमें, छोटा छोटा बहुत सारा मास होगा, सही बात है क्या? यस सर। अगर मैं अब देखो, छोटे छोटे मास में कुछ स्पीड आ गया, क्या आ गया, स्पीड। और अगर स्पीड आ जाता है तो उसके पास एनर्जी आता है हाफ ए बी स्क्वायर, है कि नहीं? यस सर। अगर मैं लिखूं टोटल काइनेटिक एनर्जी तो मैं क्या लिखूंगा, ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। देखो M1, देखो M1 मास को, तो मैं लिखूंगा हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस, इसमें वेलोसिटी देख लो, तो हाफ M2 V2 का स्क्वायर प्लस, इसमें भी एनर्जी है, हाफ M3 है ना, M3 V3 का स्क्वायर। बोलो सही बात है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, तुमसे कोई ये पूछे कि चलो सर ठीक है सर, अगर स्पीड है तो वेलोसिटी कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये बातें समझ में आ गया सर, कि अगर किसी में स्पीड होगा, चाहे वो रोटेशन कर रहा हो, चाहे वो सर्कुलर कुछ भी कर रहा हो, हाफ पे भी उसका जरूर होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा पार्टिकल होगा, क्या होगा, बहुत सारा पार्टिकल होगा, बहुत सारा पार्टिकल होगा, क्योंकि M4 होगा, M है ना, M5 होगा, उसमें भी वेलोसिटी V4 V5 होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो छोटा छोटा मास हर जगह होगा, ठीक है। चलो ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा देखना, हाफ M1, अच्छा यहाँ पे V1 क्या है, ओमेगा R1, तो ओमेगा स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2, V2 क्या कहोगे, ओमेगा स्क्वायर आर टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री ओमेगा स्क्वायर आर थ्री का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ऐसे कुछ होता रहेगा, ठीक है क्या? यस सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गया, देखना एक बार। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर, वन अपॉन टू कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे बन गया, ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो गया, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये रोटेशनल, क्या ये लीनियर मोशन कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा है, ये तो घूम रहा है यार। कोई अगर रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो तो रोटेशनल मोशन में गिनती आता है। यस सर, सही बात बोला आपने। तो प्यारे बच्चों इसे क्या लिखा गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू हुआ, इस वैल्यू को लिखा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस बॉडी का, रिजिड बॉडी का। अब तुम कहो सर आई क्या है यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों आई जो बात था वो क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। क्या था प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्यारे बच्चों अगर तुम समझना चाहते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा इनर्शिया क्या होता है, जैसे तुम्हें समझाने के लिए चाहता हूं, जैसे कोई मास मान लो एम मास, ठीक है, तो अभी से मान लो ये रेस्ट पे है, तुम क्या कहोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहोगे, है कि नहीं। अगर इसमें वेलोसिटी आ जाए, स्पीड आ जाए, तुम क्या कहोगे, तो सर इसके पास जो एनर्जी है सर वो हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे जो
काइनेटिक एनर्जी है, अब इसको मैं लिखूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, जो ये सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, मतलब अगर रेक्टिलिनियर मोशन होता तो स्पीड आता, अगर वो रोटेशनल मोशन है तो ओमेगा आएगा, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। एक बात और, यहां जैसे मास है वैसे यहां पे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे हाफ एम स्क्वायर, यहां पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई, यहां पे क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इनर्शिया ऑफ मास, ये मास है मतलब इनर्शिया ये भी है। जैसे सुनना पहले, जैसे किसी मास को स्पीड दिया तो काइनेटिक एनर्जी आया, तो यहां पे किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओमेगा दिया तो काइनेटिक एनर्जी आया। अब तुम कहो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालोगस या इज सिमिलर टू मास, क्योंकि हाफ एम स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जैसे देखो मोमेंट मतलब क्या होता है, मोमेंट मतलब होता है घूर्णन, मतलब घूमने वाला, सुना पहले घूर्णन, ठीक है, मतलब जो घूमने वाला होता है, और इनर्शिया तुम्हें पता है जड़त्व होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों जड़त्व। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चलाने में काइनेटिक एनर्जी एक क्या है कष्ट करवाता है। जैसे किसी अगर कोई स्पीड है, ठीक है, तो मास क्या है, मास को चलाने में मास एक क्या है यहां पे कष्ट है, मालूम कष्ट है, वो कष्ट मतलब ये हो गया कि मतलब मास काइनेटिक एनर्जी आया तो उसमें मास क्या है, तो मास को चलाने के लिए जैसे स्पीड का रिक्वायरमेंट है वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चलाने के लिए ओमेगा का रिक्वायरमेंट है। सुनना पहले इधर, मास को चलाने के लिए स्पीड या वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट है, उसी टाइप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, घूर्णन जड़त्व, मतलब अगर इस देखो जैसे जड़त्व क्या होता है, जैसे मास अगर रुका रहे स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी रुका रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही होगा, समझ आ रहा बात है क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब मास तो होगा ही होगा वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है ना। जैसे मास हमें कष्ट करवाता है चलाने के लिए वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कष्ट करवाता है चलाने के लिए, समझ में बात आ रहा है क्या बोला मैं, यस सर। तो घूर्णन का जड़त्व, ठीक है ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चा क्या समझता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब होता है जो घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, घूर्णन का क्या लिखा है जड़त्व। जैसे एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने चाहेगा, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये क्या कर सकता है घूम सकता है, इसे घुमाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कष्ट है यहां पे, उसी टाइप से मास को चलाने के लिए मास क्या है यहां पे तो एक कष्ट है, समय में आ रहा क्या बात है, यस सर समय में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों रोटेशनल मोशन में जो मेन फॉर्मूला वो क्या है, जो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, जो आगे यूज आएगा, आगे आगे बातें समय में आएगा तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां से देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के क्या आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया सर कोई एगो स्मॉल पार्टिकल है तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर है कि नहीं, यही तो है आर थ्री स्क्वायर, यही तो है, यस यही तो है पूरा, यही क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब छोटा छोटा मास हो ऐसे करके, है कि नहीं, यस सर सही बात है सर। मतलब प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा गया कि अगर कोई छोटा मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे मान लो कोई अगर एक्सिस और रोटेशन, अच्छा ये बताओ आर दूरी यहाँ पे क्या है आर वन आर टू, तो सर आर वन जो दूरी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से टू मास एम वन, सही बात है क्या, यस सर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्यारे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या लिख सकता हूँ ये बातें सीखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लिखूंगा मैं, ठीक है, और इसे लिखूंगा एम आर स्क्वायर, कौन सा आर, तो नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब अगर कोई पॉइंट मास हो, ये किसके लिए लिखा फॉर पॉइंट मास के लिए, किसके लिए पॉइंट मास, क्योंकि पॉइंट मास क्या होता है
पॉइंट मास वो मास होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन है ना, जिसका कोई डायमेंशन, नो डायमेंशन। ऐसे डायमेंशन क्या होता है, जिसका ना तो कोई लेंथ हो, ना तो कोई है ना ब्रेथ हो, ना तो एरिया हो, अगर ये नहीं होगा तो वॉल्यूम भी नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं, नो डायमेंशन, मतलब पॉइंट मास। ये पॉइंट मास था कि नहीं? यस सर। तो मोमेंटम इनर्शिया का मेन फॉर्मूला क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। अच्छा आर क्या है, आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास एम, ऑफ पॉइंट मास एम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर आ गया सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला हम याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कोई पूछता है बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता हो, ठीक है, तो उसकी बातें मैं करने जा रहा हूँ, किस किस फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है उसकी बातें कर रहा हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों ये समय में आया कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन में अगर क्या हो, मास हो, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, तो रोटेशनल मोशन में सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, क्या कहो तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, एनालोगस होता है ये, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में कहो तो मैं लिखता हूँ कि मास जो है इन ट्रांसलेशनल मोशन में, ये बात ट्रांसलेशनल कह दो या तो रेक्टिलिनियर कह दो, सब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, तो मास इन रेक्टिलिनियर मोशन इज एनालोगस, वो क्या है, एनालोगस मतलब होता है सिमिलर, इज एनालोगस, ठीक है, इज एनालोगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ये बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर समझ में आ गया सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये बातें तुम्हें याद हो, एनालोगस मतलब होता है सिमिलर, अगर ये बातें याद हो गया तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो यहां पे देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर डिपेंडेंट ऑन, फैक्टर डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या क्या फैक्टर डिपेंडेंट है उसकी बातें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर सुनो, फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू मास, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास, मास जो भी है पॉइंट मास है, ठीक है, फर्स्ट तो ये, सेकेंड मतलब आर, ठीक है ना, और क्या बोलो, ऑल्सो डिपेंड ऑन मास ऑफ, ऑल्सो डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मास, ऐसा बोलो टू द पार्टिकल, पार्टिकल जो भी है पॉइंट मास का पार्टिकल, ठीक है ना, मास ऑफ पार्टिकल थर्ड में। अच्छा मास अब आएगा तो क्या आएगा, इसका डेंसिटी भी आएगा, ठीक है ना, तो ये भी लिखा जाता है ऑल्सो डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। और क्या फोर्थ में बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन, कोई बात नहीं लिख लिया, डिस्टेंस ही है वो, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है क्या। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होनी चाहिए, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, वो आर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो कहाँ से, एक्सिस और रोटेशन टू द पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, ठीक है क्या, बोलो ये बातें समझ में आई क्या। यस सर आ गई सर। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आता है प्यारे बच्चों, मैं इसे एग्जाम्पल एक करवाता हूँ। जैसे मान लो कि ये लाइट रोड है, कैसा रोड है ये, लाइट रोड मतलब कोई मास मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, लाइट रोड है, ठीक है, यहाँ पे मास ले लिया M1 मास, मान लो मास एम एम मास का यहाँ पे पार्टिकल मैंने लगा दिया, ऐसे लगा दिया मान लो, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो डिस्टेंस है एल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मान लो, तो एल डिस्टेंस मान लो। अब बताओ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये जो होगा इस एक्स, ये सेंटर है इसका,
है ना, ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो इसका ये सेंटर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कोई बोलता है कि ये जो लाइट रॉड है इसमें दो मास लगा दिया गया है और ये घूमने वाला मान लो हो रहा हो, ये तो घूमेगा बोल रहा है, तो बताओ इस पे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सिस्टम का। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता, नहीं होता है? यस सर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों देखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसके अंदर क्या वेक्टर, तो कोई बोलता है इसे एम आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसकी बातें तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसका एस आई यूनिट तुम ले सकता है क्या, बोलो यस ले सकता हूं सर। इसका एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, तो एस आई यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा केजी मास डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है ये स्केलर क्वांटिटी। ये बातें लिख लो कि मोमेंट ऑफ, क्योंकि यहां पे देखो ये भी स्केलर ये भी स्केलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले इस मास का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू बोरो डिस्टेंस कितना है, ये एल बाय टू, ये कौन सा डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कितना है एल बाय टू है, ठीक है। तो इसका लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, आर कितना है एल बाय टू का होल स्क्वायर, प्लस इसका भी लिखो एम एल बाय टू का होल स्क्वायर, क्योंकि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसका भी लिखो इसका भी लिखो, दोनों को जोड़ दो, है ना, ये वेक्टर तो होता नहीं है। तो सिंपल सा क्या हो गया, सिंपल सा एम एल स्क्वायर बाय फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाय फोर, आंसर कितना आ गया एम एल स्क्वायर बाय टू। ये प्यारे बच्चों बोलो बातें समझ में आया क्या, यस सर आ गया सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर ये बातें समझ में आया है तो प्लीज़ अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में और शानदार शानदार मैं एग्जांपल बताऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, शानदार एग्जांपल, ठीक है। क्या तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया क्या, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू, आज का इतने तक।